हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद रियासत अली और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं PBRC ग्रास कटर कार। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अभी हमारे आरसी कार के लिए ये व्हील जो है ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ये तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो ये हमारा जो है वो परफेक्ट है। और ग्रास कटर के लिए हमारे पास जो है वो 50-65 PLDC मोटर है और यहाँ पे हमारे पास कुछ पार्ट्स है। ये हमारे पास ESC। तो दोस्तों, अभी हमें इस कार को बनाने के लिए हमारे पास है 2 सस्पेंशन। इसे ड्राइव करने के लिए हमें चाहिए 4 व्हील और इस व्हील को और मोटर को कंट्रोल करने के लिए चाहिए हमें ब्रशेड ESC। अब इसे ड्राइव करने के लिए हमें चाहिए एक लिपो बैटरी, जो कि हमारे पास 3 सेल का 2200 mAh का लिपो बैटरी है। इसके स्टायरिंग को कंट्रोल करने के लिए चाहिए हमें एक सर्वो। अब दोस्तों, हमारा आरसी कार जो है ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ग्रास कटर के लिए जो चाहिए वो हमारे पास है 50-65 BLDC मोटर और इसे कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए 80 mA का एक ESC और इस मोटर को ड्राइव करने के लिए दोस्तों हमें चाहिए 6 सेल लिपो बैटरी। हमारा जो ESC है दोस्तों ये 6 सेल सपोर्टेड है, तो हमें चाहिए 6 सेल और हमारे पास 3 सेल का 2 लिपो बैटरी है 5200 mAh का, तो हम इससे इस मोटर को कंट्रोल करेंगे। और हम आरसी कार बना रहे हैं ग्रास काटने के लिए, तो ये हम एक जगह पे बैठ के आसानी से अपने छत पे बैठ के और कहीं भी बगान का किसी भी जगह का आसानी से हम ग्रास को काट सके, इसके लिए हम APB गॉगल्स यूज करेंगे। तो इस गॉगल के साथ हमारे पास है एक ट्रांसमीटर और एक APB कैमरा। अब दोस्तों, इन सब को सारे चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए एक ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर है वो है रेडियो लिंक। तो इस ट्रांसमीटर से हमें काफ़ी अच्छा रेंज भी मिल जाएगा और हम ज़्यादा चैनल को यूज करेंगे इस आरसी कार में, क्योंकि हमारा जो ट्रांसमीटर है वो 12 चैनल का है और मैं इसमें गिम्बल भी यूज करने वाला हूँ इस APB कैमरा में, तो इसलिए हमें ज़्यादा चैनल की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो आरसी कार बनाने के लिए 2 ही चैनल काफ़ी होता है, बट हमें ग्रास काटने के लिए और APB कैमरा को कंट्रोल करने के लिए, मतलब होममेड गिम्बल जिसे मैं खुद बनाऊंगा उसे कंट्रोल करने के लिए हमें ज़्यादा चैनल की ज़रूरत है, तो ये हमारे पास ट्रांसमीटर है। तो इन सब चीज़ों को मिला के एक आरसी कार बनेगा, जो कि ग्रास कटर आरसी कार होगा। तो चलिए हम फटाफट सारी चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों, हमारा अभी आरसी कार जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हम इसमें करते हैं पावर प्लग और ये करते हैं ऑन और ये हमारा स्टायरिंग। पर हमने इसमें एक चीज़ जो है वो उल्टा किया, हमारा स्टायरिंग जो है हमेशा फ्रंट की ओर रहता है, बट मैंने इसमें बैक की साइड में किया। बैक की साइड में इसलिए किया है कि सस्पेंशन है वो फ्रंट के साइड में थोड़ा कमज़ोर है, तो हमारा जो मोटर है ये काफ़ी वेट है,
तो इसलिए मैंने इसे बेक के साइड में दिया है, क्योंकि बेक के साइड में जो हमारा सस्पेंशन है वो थोड़ा मजबूत है, इसलिए मैंने इसे बेक के साइड में दिया है। तो अब हम करते हैं और बाकी सामान को इंस्टॉल। तो हमारा जो ये ग्रास कटर मोटर है ये फ्रंट के साइड में, मतलब ये बेक के साइड में यहाँ पे रहेगा, और हमारा एपीबी कैमरा जो है वो भी बेक के साइड में ही रहेगा, और मैं इसे देख कर ऑपरेट करूँगा। और दोस्तों अभी रात के बज रहे हैं 2:15, और मैं अपने आरसी कार का करने वाला हूँ टेस्ट ड्राइव। तो यहाँ पे हमारा आरसी कार है, फटाफट घर का लॉक जो है उसे खोल लेता हूँ। ग्रास कटर के लिए जो हमारा मोटर में यहाँ पे जो पुली यूज़ होगा, तो यहाँ पे हमें एक ब्लेड लगाना होगा। ब्लेड लगने के बाद ही हमारा जो घास है वो कटेगा। तो इसे यहाँ पे लगाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास एक ब्लेड है जो कि एग्जॉस्ट फैन का है। तो हमें इस रिपीट को यहाँ पे कट कर लेना है और इसको हटा देना है यहाँ से। हमारा जो मोटर का शाफ्ट है वो 8 mm का है, और इस ब्लेड का भी जो अंदर का जो डायमीटर है वो 8 mm है। तो ये आसानी से यहाँ पर फिट हो जाएगा। दोस्तों अभी हम इसे यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने इसे कट करके निकाल लिया है, मैं यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ फटाफट। जो घास काटने के लिए ब्लेड बनाएंगे, तो हमारे पास ये हेक्सा ब्लेड है। तो एक हमारा जो है वो बना हुआ है, यहाँ पे आधा हाफ में धार है और हाफ में नहीं है, तो हम इसे फुल में धार कर लेंगे। और इसी का साइज का हमें और दो बनाना होगा, तो एक इसका निकल जाएगा इस तरफ से और एक यहाँ पे इस तरफ से। ये जो चाकू है बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, अभी उंगली कट चुका है, बस हल्का सा सटा ही था कि। तो दोस्तों फाइनली पूरी रात काम करने के बाद हमारा जो आरसी एपीवी कार था, ये ग्रास कटर कार है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। और रात में मेरा उंगली भी कट गया। अभी मैंने इसमें एपीवी कैमरा जो है वो इंस्टॉल नहीं किया है, तो अब हम एपीवी कैमरा इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद फिर इसे ट्राई करेंगे। तो दोस्तों अभी हमारा एपीबी आरसी ग्रास कटर कार ये पूरी तरीके से कंप्लीट है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना सारा घास है, इन सारे घास को मैं कट कर देने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट करते हैं शुरू। तो अभी हमारा सारा चीज़ परफेक्ट वर्क कर रहा है, तो चलिए इसे करते हैं शुरू।
तो दोस्तों अभी आपने इसका वीडियो देखा, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता, लाइक करें, शेयर करें। वैसे तो मैं इसका कैमरा जो था वो गिम्बल लगाने वाला था जो कि मैनुअल गिम्बल होता, बट वक्त नहीं मिल पाया रात भर काम करने के बाद। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और काफ़ी वक्त हो गया था, इसलिए मैंने इसका गिम्बल जो था वो नहीं बनाया था। खैर मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और नेक्स्ट वीडियो में हम गिवे के बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारा MiG 15 का आने वाला है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।